Good morning, 11th class, chapter 5, morphology of the flowering plant. अब तक हमने रूट को समझा, स्टेम को समझ लिया और अब लीव्स कर रहे थे हम. लीव्स के अंदर बच्चों जो पैरेलल विनेशन है, पैरेलल विनेशन के अंदर एक मैं बताना भूल गया था कि एक लीव जो है यूनिकॉस्टेट जिसे कहते हैं वो इस तरीके की होती है. पैरेलल पैरेलल विनेशन, जब हम विनेशन कर रहे थे, विनेशन का मतलब है वेन्स और विनलेट्स का जो अरेंजमेंट पैटर्न है, तो उसे हम विनेशन कहते हैं. तो बाकी सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया था. एक पैरेलल विनेशन का एक पार्ट था. तो कई प्लांट्स की लीव्स आपने भी देखी होंगी इस तरीके की होती हैं बच्चों. तो ये तो वे मिडरिब और इसके लेटरल पार्ट से जो है इस तरीके से जो वेन्स है वो एमर्ज होती है. ये पैटर्न देखिए बच्चों, इसे हम यूनिकॉस्टेट कहते हैं. यूनिकॉस्टेट तो ये पैरेलल विनेशन का ही पार्ट है. ठीक है, रिपीट कर रहा हूं मैं. मैंने आपको विनेशन एक्सप्लेन किया था. विनेशन के अंदर मैंने आपको बताया था रेटिकुलेट विनेशन एंड पैरेलल विनेशन. रेटिकुलेट विनेशन में जो लीव के अंदर नेटवर्क के फॉर्म में वेन्स फैली रहती है, वेनलेट फैली रहती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेट विनेशन कहते हैं. इसके भी मैंने टू टाइप्स बताए थे. फिर पैरेलल विनेशन में बताया था कि जो वेन्स हैं और वेनलेट्स, जो वेनलेट्स हैं वो पैरेलल रन करती हैं. तो इसमें मैंने आपको मल्टीकॉस्टेट तो एक्सप्लेन कर दिया था. यूनिकॉस्टेट में कुछ इस तरीके की लीव्स होती हैं. ये मिडरिब हो गई और इनके साइड में और कई सारी वेन्स निकल रही है पैरेलल वे में, तो इसे हम क्या कहते हैं, यूनिकॉस्टेट पैरेलल विनेशन कहते हैं. अब बात करते हैं बच्चों, मैंने लीव्स के मॉडिफिकेशन को एक्सप्लेन कर दिया था आपको. लीव्स के मॉडिफिकेशन को आई हैव इन प्रीवियस क्लास. अब बात करेंगे बच्चों फंक्शंस की. अगर मैं प्राइमरी फंक्शंस की बात करूं तो लीव्स का प्राइमरी फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना. सेकंड है ट्रांसपीरेशन करना. ठीक है ना, क्योंकि स्टोमेटा पाए जाते हैं तो गैसियस ट्रांसपीरेशन भी होता है, वाटर का लॉस भी होता है और गैसियस एक्सचेंज भी होता है. ठीक है बच्चों, इसके अलावा लीव्स के अंदर जो मिडरिब है, वेन्स है, वेनलेट्स है, तो उनके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का, मिनरल्स का और सिंथेसाइज्ड फूड का. तो ये तो हो गए प्राइमरी फंक्शंस. सेकेंडरी फंक्शंस की बात करें तो लीव्स जो फूड को स्टोरेज करती हैं, स्टोरेज का उनमें फंक्शन रहता है, प्रोटेक्शन का है ना, ट्रांसपिरेटरी लॉस को कम करने का. ठीक है, नाइट्रोजन मेटाबोलिज्म के जो इंसेक्टिवोरस लीव्स होती हैं उनके अंदर जब इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाते हैं तो वो वहां से नाइट्रोजन लेती है. कई लीव्स ऐसी होती हैं जो रिप्रोडक्टिव होती हैं, जिनके ऊपर बर्ड्स ग्रो हो जाती हैं और बर्ड्स जब जर्मिनेट होती है डिटैच होके तो वो नए प्लांट के अंदर डेवलप हो जाती है, जैसे कि ब्रायोफाइलम के अंदर. तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, फूड स्टोरेज के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सपोर्ट के लिए मॉडिफिकेशन फंक्शंस पाए जाते हैं, सपोर्ट के फंक्शंस पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस होते हैं लीव्स के. और इसके अलावा नाइट्रोजन एसिमिलेशन, जो भी इंसेक्ट डाइजेस्ट होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की लीव्स में, तो उनसे जो नाइट्रोजन है वो एसिमिलेट कर ली जाती है, कंज्यूम कर ली जाती है. आज बच्चों अपन नया टॉपिक लेंगे इनफ्लोरेसेंस. लीव्स भी कंप्लीट हो गई, अब अपन करेंगे फ्लावर के बारे में स्टडीज करेंगे. ओके बच्चों, चलिए. नेक्स्ट लेते हैं इनफ्लोरेसेंस. हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस, जो फ्लावर का जो अरेंजमेंट है ऑन द फ्लोरल एक्सिस उसे हम क्या कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस कहते हैं. ध्यान से सुनिए, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स
ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। फ्लावर के अरेंजमेंट पैटर्न को हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, और जो फ्लोरल एक्सिस जहां से फ्लावर्स एमर्ज होते हैं उसे हम कहते हैं पिडंकल। क्या कहते हैं? पिडंकल कहते हैं। ध्यान से सुनना और लास्ट तक बने रहना क्लास में। मैं आपको ये श्योरिटी दे रहा हूं आपको ऑनलाइन में भी उतना ही समझ में आएगा जितना ऑफलाइन में समझ में आता है। इनफ्लोरेसेंस क्या है? फ्लावर्स का अरेंजमेंट है फ्लोरल एक्सिस के ऊपर, उसे हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। उस एक्सिस को जहां से फ्लावर ओरिजिन होते हैं, फ्लावर्स लगे रहते हैं, उसे हम पिडंकल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम पिडंकल कहते हैं। बच्चों इनफ्लोरेसेंस टू टाइप्स का है। जो इनफ्लोरेसेंस है वो टू टाइप्स का है, रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस एंड सेकेंड इज साइमोस इनफ्लोरेसेंस। रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस एंड साइमोस इनफ्लोरेसेंस। बच्चों इसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं। रेसिमोस क्या है कि जो मेन एक्सिस है, जो मेन एक्सिस होती है प्लांट की, स्टेम की, तो उसका जो टर्मिनल पार्ट है, टॉप पार्ट को टर्मिनल पार्ट कहते हैं, वहां पर बड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एपिकल बड पाई जाती है। तो वो लगातार ग्रो करती रहती है। तो जो मेन एक्सिस है वो लगातार कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती रहती है, और लेटरल साइड में भी नई ब्रांचेस लगती रहती हैं, ग्रो करती रहती हैं, ओरिजिन होती रहती हैं। तो इस टाइप के इनफ्लोरेसेंस को हम क्या कहते हैं? रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। सेकंड लेते हैं साइमोस इनफ्लोरेसेंस। जो साइमोस इनफ्लोरेसेंस है इसके अंदर जो मेन एक्सिस है उसके जो टर्मिनल पार्ट है वहां पर फ्लावर ग्रो कर जाता है, ओरिजिन हो जाता है, और उसकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। फिर जो मेन एक्सिस है वो ग्रोथ नहीं करता, उसके लेटरल साइड में, मेन एक्सिस से फ्लावर से लेटरल साइड में जो है ब्रांचेस निकलती हैं, फिर वो भी स्टॉप कर जाती है, ग्रोथ करना रोक देती हैं, फिर उनके लेटरल साइड में ब्रांचेस लगती हैं। तो ये पैटर्न रहता है साइमोस इनफ्लोरेसेंस में। इनको डीपली भी करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। बच्चों आप लोग बोर ना हो इसके लिए आप एक काम करें, आप एक रफ नोटबुक लेने फटा सकते, क्योंकि अब मैं जो टॉपिक समझाऊंगा वो पूरा डायग्रामेटिक है, आपको डायग्राम के द्वारा ही मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, तो डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा। तो आप एक नोटबुक ले लें, आप साथ साथ में ड्रॉ करें, तो इस बारे आपको एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, ठीक है। रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस, रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस है बच्चों। इसमें बच्चों फर्स्ट टाइप है सिंपल रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। बच्चों रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस में जो सिंपल रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस है इसके अंदर जो पिडंकल है वो अनब्रांच्ड रहता है, पिडंकल ब्रांच्ड नहीं होता, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो इसमें कई सारे टाइप्स हैं जो डायग्रामेटिकली समझेंगे अपन।
बच्चों ये देखिए, इसे हम कहते हैं रेस्टिंग। ध्यान से देखिए, आपको ये जो मेन एक्सिस है इसका ये टर्मिनल पार्ट है, यहां पर ये बड आ गई है, ये लगातार इसको ग्रो करवाती है। लेटरल साइड में ये फिर एक पिडंकल आ गया और ये इसका फ्लावर आ गया। ओके बच्चों, तो इस तरीके से क्या है कि जो है इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है, इसे हम रेसिन कहते हैं। सेकंड हम लेते हैं पेनिकल। ये देखिए बच्चों, ये जो पैटर्न है इसे हम पेनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनिकल। ध्यान से देखिए आप इस पैटर्न को, इस तरीके से जो फ्लावर्स लगते हैं इन्हें हम कहते हैं पेनिकल। नेक्स्ट लेते हैं स्पाइक। ये पैटर्न देखिए बच्चों, ये जो पैटर्न है ये है स्पाइक, इसे हम क्या कहते हैं? स्पाइक कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं स्पाइकलेट। ये जो पैटर्न है बच्चों इसे हम कहते हैं स्पाइक लेट। स्पाइक लेट, स्पाइक लेट के पैटर्न को देखिए आप। एक बार आप देख लें बच्चों, इन चारों पैटर्न को देख लें। अभी फोर पैटर्न और हैं इसमें। हम क्या कर रहे हैं? सिंपल रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस कर रहे हैं। डायग्रामेटिकली करना है, लर्निंग करते समय भी करना है, और ये एडिशनल है, एक्स्ट्रा है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट लेते हैं बच्चों कैटकिन। कैटकिन में क्या होता है देख लीजिए, हो सकता है बच्चों आपको थोड़ा सा ऐसे डायग्राम बनाते समय लगे कि थोड़ा बोर हो रहे हैं, लेकिन टॉपिक तो है, अब करना ही पड़ेगा। मेरी भी मजबूरी है कि डायग्राम तो साथ साथ में एक्सप्लेन करनी ही है ना, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें और साथ में ड्रॉ जरूर करते रहें। क्लास में जब ऑफलाइन में होते हैं तब भी आप करते ही हैं ड्रॉ। तो ये जो पैटर्न है इसे हम कहते हैं कैटकिन। ये देख लीजिए बच्चों, यहां पर देखिए ये कैटकिन पैटर्न है, ये फ्लावर्स है बच्चों। ठीक है, और नेक्स्ट है स्पैडिक।
ये जो पैटर्न है इसे हम कहते हैं स्पैडिक्स, ओके, ये स्पैडिक्स पैटर्न है बच्चों। और एक और है, ये बच्चों कॉरिंग है। ये जो पैटर्न है ये कौन सा है? कॉरिंग। देखिए बच्चों सिंपल रेसिमोस में ये जो पैटर्न है ये है कैटकिन, यहाँ पर इसके नीचे ये फ्लावर ओरिजिन हो रहे हैं, ये स्पैडिक्स है, ये जो पैटर्न है इस तरीके का इसे कॉरिम्ब कहते हैं, और ये जो एटिक के ऊपर कई सारे ऐसे पिडेंकल हैं और फिर जो फ्लावर्स ओरिजिन हो रहे हैं इसे हम अम्बेल कहते हैं। और एक लास्ट और बच गया है वो है कैपिट्यूलम। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इनफ्लोरेसेंस के फ्लावर्स के अरेंजमेंट को समझ रहे हैं हम। ये जो पैटर्न है बच्चों इसे हम कैपिट्यूलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिट्यूलम। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक लग रहा होगा आपको लेकिन डायग्रामेटिकली इसकी लर्निंग आसान है। चलिए इतना समझ में आया बच्चों, एक बार हैंड रेज कर दें। अगर आपको समझ में आया है तो फिर मैं कंपाउंड रेसिमोस स्टार्ट कर रहा हूं फिर। हाँ बच्चों इजी है, लाइन डायग्राम के द्वारा समझना काफी आसान है इस टॉपिक को। चलिए आप क्लास मत छोड़ना, बस लास्ट तक बने रहना। नेक्स्ट में ले रहा हूं कंपाउंड रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। हमारे लिए ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग है कि आपको लास्ट तक रोके रखें, कहीं आप ज्यादा डायग्राम देख के बोर ना हो जाए। चलिए नेक्स्ट लेते हैं कंपाउंड रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। कंपाउंड कंपाउंड रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। कंपाउंड रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस, कंपाउंड रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस, इसको ध्यान से देखिए बच्चों। कंपाउंड रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस में जो पिडंकल पार्ट जो है वो ब्रांच्ड होता है, वो क्या होता है? ब्रांच्ड होता है, ओके बच्चों। तो इसमें भी लगभग सेम से ही है, थोड़ा सा ब्रांचिंग पैटर्न जो है वो आप देख लें, जैसे कि फर्स्ट है स्पाइकलेट,
ये देखिए बच्चों, ये जो पैटर्न है ये स्पाइक लेट ही है, लेकिन इसमें पिडंकल जो है ब्रांच्ड है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, ये बच्चों पेनिकल है, ये पेनिकल पैटर्न है, इसमें भी पेडंकल ब्रांच है बच्चों। नेक्स्ट लेते हैं कंपाउंड कॉरिम्ब, ये जो पैटर्न है बच्चों ये है कंपाउंड कॉरिम, कंपाउंड कॉरिम, ठीक है। स्पाइकलेट, पेनिकल, ब्रांच्ड हो गया ये, और कंपाउंड कॉरिम वही है जो अपन ने सिंपल पढ़ा था, लेकिन यहां पर ब्रांच्ड है ये। और एक और पैटर्न है इसका, वो है कंपाउंड अम्बेल। अम्बेल में क्या है, जैसे ये एक्सिस है तो इसके टिप से ये देखिए बच्चों, इसमें टिप के ऊपर कई सारे ये जो हैं फ्लावर के जो पिडंकल ओरिजिन हो रहे हैं, और ये ब्रांच भी हैं, तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड अम्बेल, कंपाउंड अम्बेल कहते हैं, ठीक है बच्चों। दोबारा देख लीजिए, कंपाउंड रेसिमोस के अंदर क्या होता है, कंपाउंड रेसिमोस के अंदर जो पिडंकल है वो ब्रांच होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो टाइप ले रहे हैं, 2 मिनट और मैं क्लास कंटिन्यू करूंगा, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हाँ, लास्ट ईयर क्या है, कोशिश में करता था कि क्लास से पहले जो डायग्राम से ड्रॉ करके रखता था, लेकिन आपकी क्लास से पहले भी क्लास है, आपकी क्लास के बाद भी क्लास है, तो मैं पहले ये कर नहीं सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ले रहे हैं अपन साइमोस इनफ्लोरेसेंट,
बच्चों ध्यान से देखिए, साइमोस इनफ्लोरेसेंस क्या है? साइमोस इनफ्लोरेसेंस के अंदर जो मेन एक्सिस है वहां उसके टर्मिनल पार्ट पर, टिप पार्ट पर फ्लावर ओरिजिन हो जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। फिर टर्मिनल जो फ्लावर है उससे पहले जो है लेटरल साइड में जो है ब्रांचेज ओरिजिन होती है, जिसे हम साइमोस इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम साइमोस इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। इसको हम डिटेल में कल के क्लास में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है? आपको अगर कुछ पूछना चाह रहे हो आप, तो आप हैंड रेज कर दें।